हमारे पीछे देख रहे हो पश्चिम एक्सप्रेस, एक ज़माने की सुपर डीलक्स ट्रेन, मुंबई दिल्ली की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी। अब इस ट्रेन को इतना स्लैक दिया गया है कि ट्रेन हर जगह 40 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पहुंच जाती है, फिर भी 130 की रफ्तार नहीं दी है। रेलवे ना इंसाफ ही कर रहे हो। बाकी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपका इस वीडियो में इंतजार कर रही हैं। ट्रेन को ओवरटेक भी पड़ने वाले हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपका इंतजार कर रही हैं। लोकेशन है ना कमाल की, आ रही है मुंबई राजधानी ओवरटेक करने। पूर्व के बाद अब बारी है पश्चिम एक्सप्रेस की यात्रा की, जिसमें पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा मुंबई से दाहोद तक के सफ़र को। आज हम आगे के सफ़र को कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुंबई से यहाँ तक मज़ा बहुत आया था, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले थे और साथ ही साथ सनसेट बहुत ही कमाल की हुई थी। अब आज का जो जो पार्ट है, इसमें आप लोग देखने वाले हो रतलाम नागदा होते हुए, उसके बाद आगे चल के आपको सियार राजधानी से एक बेहतरीन रेस भी देखने को मिलेगी। साथ साथ ये जो सफ़र है, इसमें खाने पीने की चीज़ें और आने वाली दिक्कतों को आप ज़रूर समझेंगे इस वीडियो में। चलिए इस यात्रा को शुरू किया जाए, क्योंकि बेहतरीन चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। क्या बात है, पश्चिम डॉट ऑन टाइम दाहोद रेलवे स्टेशन में पहुंच रही है 7:50। दाहोद पहुंच चुकी है भाई। श्रेयांश भाई यहीं के रहने वाले, बता रहे थे कि लोग अपनी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह के लिए यहीं पे आते हैं ना, दूर दूर से। हॉस्पिटल्स वगैरह काफी अच्छे हैं, तो आसपास के जितने एरिया के लोग हैं, हम खुद मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको दिखाना होती है तो हम रतलाम में जाते हुए दाहोद आते हैं, ज़्यादा पास पड़ता है। इसके बाद मेघनगर आएगा, गुजरात का अपना लास्ट स्टेशन है, मेघनगर एमपी में आता है, फिर बामनिया श्रेयांश का घर है वो आपको दिखाएंगे, और रतलाम ट्रेन पहुँचेगी रात में 9:30 के आसपास, 9:30 9:40 जो भी पहुँचेगी। मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे भी, स्टेशन आप लोग देख लो। दाहोद से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा ज़रूर, और अगर आप लोग कभी यहाँ आए हो तो भी मैं जानना चाहूँगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 बज रहे हैं, तब जाके जो प्रॉपर अंधेरा है ना वो शुरू होने वाला है। शाम जो है देखो, रात के 8 बज रहे हैं लेकिन अभी भी ढल रही है, अभी प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये कलर। तो ये है आज अपने एमपी का पहला हॉल्ट। इंडियन रेलवेज बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों को डेवलप करने पे ध्यान दे रहा है, पर यहाँ पे अगर केवल शेड हो जाती प्रॉपर ना, वही काफ़ी कामगर होती। वैसे स्टेशन में आगे तरफ है, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो है लाइट्स की भी, प्रॉपर लाइटिंग की भी ज़रूरत है, इतना बड़ा जब स्टेशन है, ट्रेनों को हॉल्ट दिया गया है। इससे भी आप लोग देख लो, पश्चिम एक्सप्रेस में बोर्डिंग तो है, लोग चढ़ उतर रहे हैं, तारे आसमान में चमचमा रहे हैं, एकदम बढ़िया नज़ारा है। मज़ा आता है जब ट्रेन रुक रुक के चलती है। राजधानी होती तो ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, दरवाजे नहीं खुलते, पर पश्चिम एक्सप्रेस है तो सब चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका है हमारे पास। यहाँ पे तो अच्छा खासा शेड है, लाइटिंग है, लोगों के बैठने के लिए अच्छी बात है। बारिश में कम से कम लोगों के पास सहारा है अच्छा खासा। थोड़े स्टॉल्स और होने चाहिए खाने पीने के, ताकि दिक्कत ना हो, पर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सवारी यहाँ पे देखने को मिली मुझे। Thank you.
यहाँ पे मलार ने चेक करने के लिए खाना मंगाया था, तो ये थाली 150 का बोल रहा है देखो, जिसमें ड्राई सब्जी चावल वगैरह है यहाँ पे, ये चीज़ें जो हैं ये क्वांटिटी की हैं। और हमने बोला ठीक है 80 वाली भी थाली लेके आओ, चेक करते हैं क्या है दोनों में डिफरेंस, बाकी जैसी अपडेट रहेगी आपको अपडेट करेंगे। जब 80 रुपये की थाली मंगाई है तो ये आया है यहाँ पे, दही वगैरह मिसिंग है, कुछ भी आइटम है नहीं अवेलेबल, और साथ में जब 150 की मंगाई थी तो ये आया था। तो अंतर आप देख लो, मुझे कोई खास अंतर लगा नहीं, बस क्वांटिटी कम करने के नाम पे ये जो सब्जी है ना इसी की ग्रेवी बना दी गई है बस, ठीक है, और ये सब्जी नहीं है। अगर आप ये दो चीज़ लेने के लिए अलग से 70 रुपये देने को तैयार हो तो ये लोग आपको लूटने के लिए भी तैयार है, क्या बोलते हो? तो अगर आप लोग 70 रुपये दे करके ये थोड़े से छोले और खीरा खा करके खुश हो जाओगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपको ये थाली भी मिल जाएगी भैया, चॉइस आपकी है। चलो लेकिन इसकी एक कंप्लेंट तो बनती है, एक ट्वीट कर दिया जाए। तो यहाँ भी हमारी ट्रेन श्रेयांश के घर के रेलवे स्टेशन को पार कर रही है, मामनिया। ये है यहाँ का एग्जिट, और एक स्टॉल भी यहाँ पे खुल गया है, काफी बढ़िया बात है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम एक्सप्रेस बामनिया रेलवे स्टेशन को पार कर रही है। बाकी टेस्ट कर लेते हैं दोनों चीज़ों में अंतर है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर से चढ़ाई हुई थाली लग रही है। ट्रेन की बनी थाली और बाहर वाली में अंतर है, ये वाली थाली पक्का बाहर चढ़ी है। शुरुआती दौर में हमको लग गया था ना वो लुक वाइज में चीज समझ में आ जाती है। ये ट्रेन का स्टफ है पूरा, जो शायद उन्होंने अपने लोगों के लिए बना होगा, और ये वाला बाहर की थाली है पूरा, इसीलिए इस ट्रेन में ये चल रहा है। 70 रुपये दो, पब्लिक को लूटो, और एक चने की सब्जी और थोड़ा सा सलाद पकड़ा दो, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। मैंने तो ट्वीट कर दिया, आप भी सेम फॉर्मेट पर ट्वीट कर सकते हो, आपकी स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, बाकी जो रेजोल्यूशन निकलता है वो आपको अपडेट देंगे हम लोग। फिलहाल इसे फिनिश करते हैं, भूख तो लगी है, खाना तो खाना ही है, मिलते हैं आपसे रतलाम में। भाई देख लो यहाँ पे पहुँचे हैं रतलाम, और खाने पीना सब उस स्टेशन में बढ़िया से बिक रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन लगता है, सब मज़ा आ गया। यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है रतलाम जंक्शन, स्टेशन कोड है RTM, 9:30 बजे पहुँच गई, 9:45 डिपार्चर रहेगा। रतलाम का पोहा ज़रूर ट्राई करेंगे यार, पोहा और अगर सेब मिला तो वो भी ट्राई करेंगे, SSS के लिए फेमस है, बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता रखा है। क्यों श्रेयांश भाई, भाई का होम स्टेशन है यार, बहुत सारी ट्रेन यहीं से पकड़ी है। उधर आ रही है इंदौर से असरवा के लिए जाने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस, जो कि एक कमाल की गाड़ी है, उसमें यात्रा पेंडिंग है, एक्सटेंड होने के बाद यात्रा पेंडिंग है, अभी वो उदयपुर से एक्सटेंड होकर हो गई है असरवा तक अहमदाबाद, यानी उसमें भी एक जर्नी करेंगे फ्यूचर में। बाकी ट्रेन के खाने पीने का जो था वो सिस्टम चल रहा है अभी, ट्विटर का कंप्लेंट वाला, जो भी अपडेट रहेगी फाइनल आपको देंगे। यहाँ से पोहा लेंगे, ट्रेन का खाना हम लोगों ने ज़्यादा खाया नहीं, गाड़ी लेकिन जो है ना पश्चिम एक्सप्रेस, यहाँ तक तो मज़ा आ रहा है ट्रेन जर्नी में, AC वगैरह बढ़िया चल रहा है, साफ सफाई अच्छी हो रही है गाड़ी की, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही गाड़ी में। रतलाम आए और पोहा नहीं खाया तो भाई क्या खाया फिर, देख लो पोहा ले लिया है, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस और अवेलेबल हैं, जिरावन भी इसमें पड़ गया अपना फेवरेट आइटम, और देख लो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है स्टेशन में। डिनर के लिए आप इन सभी चीज़ को चूज़ कर सकते हो, खाना वगैरह ला के सीट में रख दिया। अब आप लोगों को बता देता हूँ रतलाम को जंक्शन क्यों कहते हैं, यहाँ से एक लाइन है चित्तौड़गढ़ होते हुए, जयपुर कह सकते हो और उदयपुर कह सकते हो, दोनों ही रूट के लिए गई हुई है। सेकेंड लाइन जो कि गई हुई है अपनी फतेहाबाद होते हुए सीधा इंदौर के लिए, और हम लोग बढ़ने वाले हैं नागदा दिल्ली वाली लाइन पे, आ रहे हैं मुंबई लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। साथ साथ आप लोगों को बता दूं, एक ज़माने में मीटर गेज का बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था यहाँ से इंदौर होते हुए हैदराबाद तक के लिए, अकोला के रास्ते रूट गया हुआ था, और साथ साथ यहाँ से चित्तौड़गढ़ होते हुए
अपना जयपुर के लिए जो रूट है वो भी गया हुआ था, मतलब इसीलिए मिडिल एरिया बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन था ये। चलिए इसके बाद मिलते हैं डिपार्चर पे ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे हमारी सफिशेंट टाइम साथ रुकी है, थोड़ा वॉक कर लिया जाए यहाँ पे। चलो भाई, यही स्टॉल से खाना पीना लिया था, खाना पीना बहुत ही अच्छा मिला, फ्रेश मिला, और निकल गई अपनी ट्रेन भी यहाँ से। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्चर हुआ है। एक नंबर पे गणगौर एक्सप्रेस आई है जो कि जयपुर से मुंबई के बीच में चलती है। अगर उसकी जर्नी देखना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना। भाई जैसे इंदौर का सराफा हो गया वैसे ही लग रहा है यार रतलाम स्टेशन। खाने पीने की स्टेशन में कोई दिक्कत है ही नहीं, बैक टू बैक इतने सारे स्टॉल्स हैं, सभी चीज़ें सजी हुई हैं खाने की। एमपी वालों को खाने का शौक तो होता ही है, खिलाने का भी शौक होता है। फाइनली रतलाम जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं। वीरभूमि जो है वो उधर वाले प्लेटफॉर्म पे आई है, एकदम कोने में जो आपको वहाँ प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, इसमें आती है वीरभूमि। जयपुर गणगौर एक्सप्रेस की टेल लाइट आपको दिख रही होगी, वो देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी है कि नहीं, क्योंकि मैं कभी रतलाम में उतरा नहीं हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए। कोई ऐसी ट्रेन रिकमेंड करो आप लोग जिससे रतलाम उतर के मैं थोड़ा जर्नी इन्जॉय कर सकूँ। आप इनवॉइस देख लो, वो भी रेडी टू ईट मील की दी गई है, और यहाँ पे 80 रुपये वाली थाली की भी। अब देखते हैं रेलवे कितने ज़िम्मेदार है कि ट्वीट को कितना सीरियसली लिया जाता है। हमारा तो काम है बिल लेकर पे करना, तो बाकी जिम्मेदारी जो है वो है रेलवे की। बाकी पोहा कैसा है मल्हार भाई रतलाम का? जो मध्य प्रदेश में मिलता है इंदौर में खा लो ना। इंदौर वाला स्वाद आ गया मल्हार भाई को, तुम्हें मस्त लग रहा है? मस्त है, गर्मा गर्म एकदम फ्रेश। चलो ये चीज़ बढ़िया है कि चलो यहाँ पे कुछ अच्छा मिल गया, बाकी चार्ज भी ले लिया था। अभी हमारी ट्रेन पहुँची है नागदा जंक्शन। एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको स्टेशन के बारे में बतानी है। नागदा जंक्शन से इंदौर वाली लाइन जो है उज्जैन होते हुए निकल जाती है, लेकिन एक चीज़ आप लोग को बता दूं, दिल्ली से मुंबई के बीच में नागदा जंक्शन जो है बीचों बीच पड़ता है। मुंबई से यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने 690 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली है, और यहाँ से दिल्ली भी अब 690 किलोमीटर ही बचा है। यहाँ आते आते हम लोगों ने 11 घंटे 20 मिनट का सफ़र तय किया है, और अभी लगभग 12 घंटे की जर्नी यहाँ से बाकी है। तो समझ लो भाई क्या चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। बाकी राजधानी गैंग जो है वो सुबह सुबह हमें ओवरटेक करता है, अगर नींद खुली ना तो ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छी खासी नींद आ रही है, अभी सोया जाए, क्योंकि सुबह हो सकता है 5 बजे से उठ करके मुंबई राजधानी अगस्त क्रांति राजधानी का ओवरटेक आपके लिए लेना पड़े, और उसके बाद दिन में और भी ओवरटेक होंगे। मज़ा आएगा इस जर्नी में, पूरा एंड तक देखिएगा। फिलहाल गुड नाइट, देखिए आप लोग नागदा डिपार्चर, फिर अर्ली मॉर्निंग मुलाकात करते हैं। आपसे गुड नाइट कर दिया, पर एक चीज़ पे तो अपना ध्यान गया ही नहीं, गाड़ी तो 10:20 आ गई पर डिपार्चर 11 बजे का है। भाई हम तो इतना भी फोर कौन आता है, निकल जाएगी सिग्नल कब होगा सो जाएंगे ऐसा। हम सब दरवाजे में खड़े होकर देख रहे हैं ओवरटेक होने वाला है क्या, बाद में टाइम देगा 11 बजे चलेगी। अब बुरा लग रहा है थोड़ा, पर कोई नहीं सह लेंगे। कोई तो कंप्लीट एसी ट्रेन थी जो ओवरटेक कर गई, देखते हैं कौन सी थी ये। देखो भाई ये लोग मानते नहीं है, स्टेशन के बाहर चले गए, आधे घंटे का हॉल्ट था तो पूरा फायदा उठाया जा रहा है। रात 11 बजे गन्ने का जूस पी रहा हूँ, शायद जिंदगी में पहली बार मैं इतनी लेट पे गन्ने का जूस पी रहा हूँ। सही है, फ्रेश मिला था, मैं सोचा लेके चलते हैं। 11 बजे दुकान खुली गन्ने के जूस की, ये बड़ी बात है। के बाद सब खुला है। कुछ स्पाइसी मिल रहा था क्या?
रात 11 बजे हम लोग निकल रहे हैं नागदा जंक्शन से, इधर खड़ी है मैसूर जयपुर और पीछे से आ रहा है शक्तिशाली WAG-12। रिवर्सल के लिए खड़ी है मैसूर जयपुर यहाँ पे। एसी कोचेस में एड्स लगा है इसलिए काफी बढ़िया लग रहा है मैसूर जयपुर के। नागदा जंक्शन से निकली फाइनली पश्चिम एक्सप्रेस और आपको एक बार लाइन भी दिखा दूंगा इंदौर वाली कहां से अलग होती है। काफ़ी समय हो गया इंदौर को, लास्ट फरवरी में गए थे, अब जल्दी इंदौर भी पहुंचा जाएगा। मॉनसून आने दो फिर पहुंचते हैं सब जगह। अच्छा इसमें देखो डबल डेकर का जनरेटर का। किलोमीटर होगा यहाँ से मुंबई और 690 लगभग किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली, तो बीचों बीच पड़ता है अपना नागदा जंक्शन। बाकी इंदौर वाली लाइन देखो यहाँ से निकल गई उज्जैन इंदौर और हम दिल्ली लाइन की ओर बढ़ते हुए। अब सोया जाए क्योंकि लेट नाइट हो चुकी है। मिलते हैं कल सुबह, अभी के लिए गुड नाइट। अरे पूरी की पूरी छत खुल गई यार पश्चिम एक्सप्रेस की। कैसे हुआ है? नहीं वो लिखते हैं हाथ में निकल रहा है सब और इसको। अच्छा इसको अटेंडर को बुलाओ, टीटी को बोल के अटेंडर को बुलाओ पहले, तो क्योंकि वायर किसी के सिर में ना छू जाए तो झटके खा जाए रात में इंसान कोई। पूरा खुल गया इधर। अच्छा छत में ऐसा होता है, कभी सोचा है एसी डक्ट में कैसा होता होगा? आप देख लो वो पूरा वेंट्स वगैरह बने हुए हैं देखो एसी आने के लिए। पूरी छत कुछ ना कुछ हो रहा है यार, सोने चला गया था अचानक से छत वत गिर गई, पता नहीं क्या हुआ, अभी वो ठीक हो गया। चलो वापस होते हैं, सुबह आपसे मुलाकात करते हैं। चैन से सोना हो ही नहीं पा रहा है इस गाड़ी में आज। देखो कैसे लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। भरतपुर जंक्शन जाकर के अभी अपनी ट्रेन पश्चिम एक्सप्रेस पहुँच रही है सुबह सुबह। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ट्रेन अपनी भरतपुर में है यानी अभी राजस्थान में हम लोग। आपने देखा कैसे राज्य बदलते हुए राजस्थान तक पहुँचे, अभी मथुरा पहुँचेंगे उत्तर प्रदेश और उसके बाद दिल्ली। बहुत सारी चीज़ें आपको इसी जर्नी में एक्सपीरियंस करने को मिली होंगी। राजधानी जो है आगे पीछे चल रही है, मुझे लगता है भरतपुर से मथुरा के बीच में ही ओवरटेक कर देना चाहिए। मुंबई राजधानी हमें शायद ओवरटेक कर दे यहीं पर। राजधानी शाम में चली है, हम कल सुबह के चले हैं। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो राजधानी को बाकी ट्रेन से प्रीमियम बनाती हैं। बाकी ट्रेन में टॉवल वगैरह मिल जाता है अगर आप एसी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो यार ज़रूर ले लेना। सुबह सुबह काफ़ी काम आया, अभी जल्दी से मैं उठा और हाथ मुँह धो के आप लोग के लिए तैयार शूटिंग के लिए। चलिए मिलते हैं अगर राजधानी ओवरटेक करती है तो। बाकी भरतपुर से बांदीकुई जंक्शन के लिए सीधा लाइन गई हुई है, आप लोगों ने बहुत बार वैसा ट्रैवल किया ही हुआ है। और आगरा के लिए लाइन गई हुई है अचनेरा जंक्शन होते हुए। हम लोग मथुरा वाली लाइन पर पढ़ रहे हैं, थोड़ा अलग ही चलती है उससे, वो लाइन साइड साइड पर निकल जाती है और अराइवल पर आपने जो ऊपर से आती हुई लाइन देखी ना वही थी बांदीकुई वाली लाइन। अच्छा सिग्नल तो हो गया 6:15 पर। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से मथुरा जंक्शन 30 किलोमीटर है और पश्चिम एक्सप्रेस को दिया हुआ है लगभग 1 घंटे 35 मिनट का समय। ये बहुत ही गलत बात है, इस ट्रेन के साथ तो यार सरासर नाइंसाफ़ी है। इतनी बढ़िया डीलक्स ट्रेन रही है ये और इसको इतने ज़्यादा हॉल्ट्स दिए गए हैं, इतना ज़्यादा बफर टाइम स्लैक टाइम दिया गया है। दोस्तों अभी 6:15 AM पे हमारी ट्रेन निकल रही है भरतपुर जंक्शन से, 7:35 AM देख लो आप लोग, 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया गया है इसको भरतपुर पहुंचने के लिए। पर एक चीज़ बताऊँ, भरतपुर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर ही है। मैं सरासर नाइंसाफ़ी है सुपरफास्ट ट्रेन के साथ, एक प्रीमियम ट्रेन के साथ इतना ज़्यादा इसे स्लैक दिया गया है। नागदा में आपने देखा कितना बिफोर गई थी, यहाँ कितना बिफोर गई, अभी दिल्ली देखिएगा बिफोर जाएगी। 130 की स्पीड तो दी नहीं है, बाकी स्लैक इतना भर भर के दिया। अगर चाहें तो ये ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली पहुँच सकती है, बस रेलवेज़ को चाहना होगा इसके लिए। एक ज़माने की राजधानी से राजधानी जैसी ट्रेन थी भाई, डीलक्स ट्रेन थी, कंप्लीट एसी ट्रेन थी, और अब इसका ये हाल बना दिया रेलवे ने। वैसे आप लोग को एक चीज़ बताऊं,
ये ट्रेन 2020 तक स्प्लिट कोचेस के साथ चलती थी, मतलब अम्बाला में इसका आधा रेक जाता था चंडीगढ़ और आधा जाता था अमृतसर। नया रेक हो चुका है तब से, यही रेक जाता है चंडीगढ़ और आगे निकल जाता है अमृतसर लुधियाना वगैरह होते हुए, वरना पहले स्प्लिट कोचेस के साथ चलती थी अपनी पश्चिम एक्सप्रेस। राजस्थान के स्टेशनों की वाइब्स ही अलग होती है। देखो लुक काफ़ी बढ़िया बना हुआ है भरतपुर का। उधर वाले जो प्लेटफॉर्म है ना जिसको आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले प्लेटफॉर्म्स आगरा वाली लाइन के लिए हैं। बाकी आगरा वाली जो लाइन है देखो वहाँ पे अलग होती है, और हम लोग यहाँ से मथुरा वाली लाइन की ओर बढ़ते हुए मेन रास्ते में कहीं ओवरटेक करवाएंगे मुंबई राजधानी से अपनी ट्रेन को। ट्रेन को भरतपुर से निकलते एक स्टेशन में लूप कर दिया गया है। स्टेशन कौन सा अब को दिखाता हूँ, जगह आप लोग देख लो। पश्चिम एक्सप्रेस पीछे ऐसा लग रहा है जैसे जंगलों में खड़ी हो, पर ये स्टेशन वाकई में खूबसूरत है। यहाँ ओवरटेक लेने में जो मज़ा आएगा ना वो और किसी स्टेशन में आता भी नहीं इतना। मुंबई राजधानी के लिए 40 किलोमीटर पहले से क्लियरेंस, ये जलवा होता है भाई, ये जलवा है एक्चुअली में। लूप में खड़ी है हमारी पश्चिम एक्सप्रेस, स्टेशन है धौरमुई जघीना, और बस पीछे से आ चुकी है अब मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई तेजस राजधानी ओवरटेक कर रही है पश्चिम एक्सप्रेस को। एकदम मजेदार, और वहां खड़ी है पश्चिम। गर्मियों में देखो पानी को ठंडा रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, बोरे से लपेटा गया है, और यहाँ मटके में भी पानी रखा गया है स्टेशन में। ये काफ़ी अच्छा लगा देख करके, क्योंकि बड़े बड़े स्टेशनों में भी ऐसी अच्छी सुविधाएं नहीं देखने को मिलती। और अच्छी बात ये कि स्टेशन में डस्टबिन भी अवेलेबल है, मतलब साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पे। फाइनली हम लोग कोटा मंडल से बाहर निकल चुके हैं, और सामने आप जो ट्रैक्स देख रहे हो ना वो आगरा की तरफ से आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ट्रैक दिख रहे हैं ना, वो है भोपाल आगरा वाली लाइन, और यहाँ हमारी ट्रेन अभी मथुरा जंक्शन पहुँच रही है। दिल्ली भोपाल दिल्ली साउथ लाइन से हमारी मुंबई दिल्ली लाइन मर्ज हो रही है यहाँ पे। और यहाँ फिरोजपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पंजाब मेल निकलते हुए मथुरा से, और हम लोग पहुँच रहे हैं मथुरा जंक्शन। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ ट्रेन का अराइवल 7:35 का था, 7:30 हम लोग यहाँ पहुँच गए, 10 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। बाकी यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी वैरायटी है, मथुरा के पेड़े तो फेमस है ही हैं, साथ साथ आगरा के पेठे भी यहाँ मिल रहे हैं,
समोसे, ब्रेड पकौड़े, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुबह सुबह यहाँ मिलती हैं। इडली डोसा भी इनफैक्ट मिल जाएगा, कमसम का, आलू के पराठे भी। तो यार कमसम ब्रांड का आप ट्राई कर सकते हो। बाकी लोकल समोसे वगैरह मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर भारत की सबसे तेज शताब्दी यानी भोपाल शताब्दी आने वाली है, वो भी आपको दिखाएंगे और डिपार्चर से भी आपसे मुलाकात करेंगे मथुरा जंक्शन से। लेकिन रूट्स की बात की जाए ना तो यहाँ से बहुत सारे रूट गए हुए हैं। अचनेरा होते हुए भरतपुर के लिए लाइन गई हुई है, कासगंज फरुखाबाद वाली लाइन गई हुई है, और यहाँ से अलवर के लिए सीधा लाइन गई हुई है। दिल्ली लाइन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, साउथ वाली लाइन और भोपाल वाली लाइन मैंने आपको दिखाई, मुंबई लाइन से हम लोग आ रहे हैं। तो समझ सकते हो इतना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ये क्यों बन जाता है इंडियन रेलवे के हिसाब से। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्री का कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05347 कासगंज से आने वाली अचनेरा जंक्शन को जाने वाली कासगंज अचनेरा फास्ट पैसेंजर कुछ ही समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। तो यहाँ पे आज की इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस यानी रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, बीच में एनएमजी के रेक आ गए। यहाँ पे आगरा के फेमस पेठे भी अवेलेबल हैं और साथ में यहाँ पे मथुरा के फेमस पेड़े भी अवेलेबल हैं। मथुरा के देखो पेड़े जो है बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं भाई। हमने ढोकला ले लिया, अच्छा क्वालिटी का मिलता ना, तो ये वाला मेरा फेवरेट होता है, पान वाला ग्रीन वाला पान बढ़िया होता है। श्रेयान भाई का पान बेटा फेवरेट है, लेकिन खाना छोड़ रखा है अभी उन्होंने, स्टेशन का थोड़ा स्टेशन का अवॉइड कर रहे हैं। बाकी खमन ले लिया, शायद ये गंदा ना हो, पर ये 70 रुपये का है, देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा गाड़ी निकली है, जल्दी से इसे टेस्ट कर लेते हैं वरना ठंडा हो गया तो और मज़ा नहीं आएगा। वाकई में बहुत टेस्टी यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था अंकल ऐसे ही बोल रहे हैं कि यार फ्रेश है फ्रेश है। टेस्टी है। गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान भी है, तो अगर आपको कुछ लेना है भगवद गीता वगैरह मज़े से मिल जाएगी आपको यहाँ पे। भाई अगर कभी मथुरा सिटी आ रहे हो ना तो ब्रिजवासी के पेड़े ट्राई करना, तो बस स्टैंड के बगल में ही है एक शॉप। बाकी इधर उधर ट्राई करोगे तो चीनी की मिलावट ज़्यादा होगी, ब्रिजवासी के जो पेड़ होते हैं बहुत गजब है। बाकी मथुरा से निकल चुके हैं, अब दिल्ली पहुँचने में हमको 3 घंटे लगने वाले हैं। नॉर्मल ट्रेन को इतना टाइम नहीं लगता है। 7:30 जो भोपाल शताब्दी आई है फास्टेस्ट ट्रेन है मानता हूँ, इसलिए वो 1.5 घंटे में आ गई है। 6 बजे दिल्ली चलती है, 7:30 बजे देखो यहाँ पे हम दुगना समय लेने वाले हैं। कंप्लेंट के बाद देखो पेंट्री मैनेजर आए थे यहाँ पे अटेंड करने, और सीरियसली देखो एक पेनाल्टी जो है उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज करने की वजह से, और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए रेलवे की तरफ से हिदायत भी गई हुई है। देख लो रात में आए थे इसलिए मैंने चीज़ें दिखाई नहीं आपको, बाकी सुबह सुबह जब अपना केस क्लोज हुआ है तो मैंने सोचा आपको पढ़ा दूँ क्या है क्या नहीं है, फीडबैक यहाँ पे जो आया है। बाकी हम भी यहाँ पे भी और फीडबैक देने वाले हैं रिप्लाई के तौर पर। अपनी रेल जर्नी के दौरान कोई भी दिक्कत होती है तो रेल मदद को टैग करके आप ऐसे ही अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, वरना 139 पे कॉल करके अपनी जो ग्रीवेंसेस जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो सभी चीज़ें आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। भाई साहब भयंकर क्रॉलिंग चल रही है पश्चिम की तब से नॉन स्टॉप, मथुरा से निकलने के बाद अभी पलवल ही पहुँची है, धीरे धीरे रेंगते हुए, और यहाँ पर देखो गुड्स ना आगे निकल जाए, बस इतनी स्लो चल रही है गाड़ी मथुरा से निकलने के बाद कि हम लोग कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, अपनी सीट में पड़े हुए हैं, धीरे 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 रेंग रही है बस गाड़ी। कटनी शहर का लोकोमोटिव लगा हुआ है और यहाँ मल्लार भाई कॉफी इंजॉय करते हुए फिर से इतनी क्रॉलिंग हो रही है पश्चिम एक्सप्रेस। तो भाई पश्चिम एक्सप्रेस ना उम्मीद कर रही है आज, लगातार इसी रफ्तार में धीरे धीरे चल रही है,
काफ़ी बुरा लगा है कि मथुरा से दिल्ली तक ट्रेन को इतना टाइम दिया है कि ट्रेन को ऐसे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है लगातार। बैक टू बैक ओवरटेक हो रहे हैं, अभी अगस्त क्रांति राजधानी निकल चुकी है, पीछे से चार गाड़ियां और आने वाली है। इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन रूट है, यहाँ आप गुड्स की रफ्तार देखो और यहाँ हमारी ट्रेन की रफ्तार देखो। सेंट्रल रेलवे की राजधानी, गजब का ओवरटेक किया यार, मजा आ गया। स्लो गाड़ी इसके फायदे। फरीदाबाद हम लोग पहुंचे हैं, देखो फाइनली। अच्छा, दक्षिण एक्सप्रेस के रेक्स भी यहीं पे खड़े हुए हैं फरीदाबाद में। जल्दी इसमें भी जर्नी होने वाली है हमारे सीरीज के तहत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये रही दक्षिण एक्सप्रेस, जल्द इसमें भी जर्नी देखने को मिलेगी। यही वाला रेक मिल जाएगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। 19120 वाला है इसका कोच नंबर। सभी लोग सोच रहे थे कि इस ट्रेन में एंड टू एंड जर्नी करनी चाहिए, पर सबके विचार जो है वो बदल गए यहाँ आते हैं। तो क्यों भाई, करना है एंड टू एंड? मेरा तो मन नहीं, कोई फ्री में टिकट दे फिर भी नहीं करूँगा। अमृतसर तक नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा क्रॉल करेगा, बहुत ज़्यादा रुला रुला के आई है यहाँ तक। बाकी देखते हैं नई दिल्ली कब तक पहुँचती। 11 बजे का टाइम दे रखा है, अभी तो 9:05 ही है। 9:42 हो रहा है अभी तो, बहुत टाइम है अभी इसके लिए। बाकी यहाँ पे जल सेवा जो है वो चल रही है फरीदाबाद स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बेहद ही गर्मी चल रही है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत काम आती हैं। ये रहा पश्चिम एक्सप्रेस का अपना रेक यहाँ पे। दक्षिण में 7 3-tier के कोचेस और 1 2-tier है, कोई भी फर्स्ट एसी नहीं है। जल्दी जर्नी होगी इसमें, वो भी आप लोग एंजॉय करोगे। एक्सप्रेस को जब चलाया गया था तो वो हावड़ा से अमृतसर थी और पश्चिम हमारी बांद्रा से अमृतसर। अब समय के साथ जो बदलाव हुआ है वो तो आप देख ही रहे हो। हावड़ा हो चुकी है पूरा, हो चुकी है हावड़ा से नई दिल्ली, और पश्चिम एक्सप्रेस अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मुंबई सेंट्रल से चल रही है, और ये गाड़ी लेकिन अभी भी अमृतसर तक जा रही है। पूर्वा को 130 की स्पीड मिल चुकी है, प्रीमियम का कैटेगरी की ट्रेन बन चुकी है, और पश्चिम को भी रफ्तार में कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिली है। दोनों ही ट्रेन एक जमाने में कंप्लीट एसी की थी, हाई प्रायोरिटी राजधानी जैसे चला करती थी, पर आज दोनों ही ट्रेनों की जो वैल्यू है काफ़ी कम हो चुकी है इंडियन रेलवे में। और पश्चिम का जो हाल दिख रहा है ना, इसे देख करके तो हम अमृतसर जाने के बिल्कुल इरादे में नहीं। इस ट्रेन से टिकट अमृतसर तक का है, अभी दिल्ली डिबोर्ड करेंगे और वहाँ से बाकी की बात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाकी जो पश्चिम का जो रूट है पूरा अमृतसर तक का, किसी और ट्रेन से नई दिल्ली अमृतसर कभी ना कभी कवर किया जाएगा। बाकी अमृतसर शताब्दी में जर्नी की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो। फाइनली क्रॉलिंग एंड एंटरिंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। फाइनली न्यू दिल्ली तो पहुंच के हम लोग 11:10 पर, और पश्चिम एक्सप्रेस से जो उम्मीदें थी पैंट्री के सर्विसेज का आपने हाल देख लिया। रात में सीट उखड़ गई, पानी था नहीं, वॉशरूम वगैरह पूरे चौक पड़े हुए थे। हाल कैसा था भाई? पानी तो हाथ धोने के लिए जा रहे थे, मतलब दूसरे कोच में जाके हाथ धोना पड़ रहा था, और खाने से भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। अपने कोच के वॉशरूम यूज नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि अब पानी नहीं था और वाटर चौक हो गया था। आपने मुझे बताया था इस ट्रेन के हिस्ट्री के बारे में, इतनी 66 ईयर ओल्ड ट्रेन है, तो मैं ये मतलब मुझे मेरे से एक्सपेक्टेशन थी ये ट्रेन एटलीस्ट उसको अच्छा प्रायोरिटी मिले, एटलीस्ट अच्छी, बट कुछ भी हो नहीं पाया।
टिकट अवेलेबिलिटी बस एक चीज़ जो इसमें अच्छी मिल जाती है वो भी टू टीयर में, बाकी क्लासेस में नहीं। बाकी कुछ मज़ेदार था नहीं, खाने बिना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। आप खुद से चीज़ें करोगे तो अच्छी होंगी। ओवरऑल ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था पश्चिम एक्सप्रेस का। इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में। अब हो गया पूरा पश्चिम, अब उत्तर की बारी। आज ही रात में हमारी ट्रेन है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अगला ब्लॉग आपको उसी का देखने को मिलेगा। चलिए इस जर्नी को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी और आने वाले वीडियोस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।